प्रक्षालन कर लो रे, पाद प्रक्षालन कर लो रे, श्रद्धा सुमन से भक्ति को सुम से अर्पित करो अंजलि, पाद प्रक्षालन कर लो रे, पाद प्रक्षालन कर लो रे। बोलिए परम पूज्य गणनीय कत्री ज्ञानमती माता जी की, बोलिए आर्य श्री चंद्रामती माता जी की। और इसके बाद में दूध से पाद प्रक्षाल के लिए श्री मदन लाल जी, जय कुमार जी जैन, टिकैत नगर वाले, इंदिरा नगर, लखनऊ, कृपया आकर के पूज माता जी का दूध से पाद प्रक्षाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और तेरी चरणों की धूल मता चंदन ये गुलाल बने, तेरे चरणों की धूल मता चंदन ये गुलाल बने, किसने भी लगा गे मस्तके, किसने भी लगा गे मस्तके, उसकी तकदीर बने, तेरे चरणों की धूल गुरुमा चंदन ये गुलाल बने। दूध से पाद प्रक्षाल हो रहा है। मात पद वंदन कर लो रे, मात पद वंदन कर लो रे, सच्चे सुमन से भक्ति कुसुम से अर्पित करो अंजलि, मात पद वंदन कर लो रे, मात पद वंदन कर लो रे, सच्चा सुमन से भक्ति कुसुम से अर्पित करो अंजलि, मात पद वंदन कर लो रे, मात पद वंदन कर लो रे। देखिए सभी लोग ऐसा करें, हमारे बीच में सीधा प्रसारण चल रहा है पारस चैनल के माध्यम से, पूरे देश में आपकी भक्ति को देखा जा रहा है, ऐसे व्यवस्थित रूप से करें जैसे कि आपके चेहरे भी समाज में पारस चैनल में देखे जा सके, माता जी का पाद प्रक्षाल का भी लाभ पूरे देश में टीवी पर बैठे भक्तों को मिल सके। और दूध से पाद प्रक्षाल के बाद में श्री कैलाश चंद जी जैन सराफ, आदिश कुमार जी जैन सराफ और उनके साथ में नीतीश कुमार जी जैन सपत्नी, कृपया आ जाएं और माता जी के चरणों में केसर वृष्टि करके आशीर्वाद प्राप्त करें। कैलाशन जी जैन सराफ, आदि जी जैन सराफ, इसी युग की मां सर दे तू धर्म की प्रण गए, ज्ञानमती नाम गए ज्ञान की तो खान गए चरित्र पर मान गए, हाँ ज्ञानमती नाम गए ज्ञान की तो खान गए चरित्र पर मान गए, इस युग की मासर दे, इस युग की मासर दे तू धर्म की प्रण गए। सभी लोग व्यवस्थित पूज माता जी के पाद प्रक्षाल का लाभ लें और केसर से पुष्प वृष्टि, केसर वृष्टि करते हुए माता जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इसी मध्य में कैलाश चंद जी के साथ में केसर वृष्टि करने के लिए श्री विकास जी जैन, अंजू जी जैन गाजियाबाद से आए हुए हैं, कृपया मंच पर आ जाएं और पूज माता जी के चरणों में केसर वृष्टि करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आदिश भैया, सिद्धू भैया थोड़ा फैला के खड़े करो। केसरिया केसरिया आज हमर रे केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमर मन केसरिया, इसके बाद में रत्न वृष्टि करने के लिए पुनीत जैन, रोहित जैन, जैन जरी पैलेस, इंदिरा नगर, लखनऊ से कृपया आप भी शीघ्रता से रत्न का थाल लेकर के यहाँ पधार जाएं। और रत्न भर से आज नगरिया में, रत्न भर से, रत्न भर से आज नगरिया में, रत्न भर से, रत्न भर से आज नगरिया में, रत्न भर से, रत्न भर से आज नगरिया में, रत्न भर से। और एक भजन के ऊपर नृत्य प्रस्तुत कर रही है हमारे बीच में वर्तिका जैन, जो चौक जैन समाज के अध्यक्ष अशोक जी की प्रपोत्री, कृपया आ जाएं वर्तिका जैन और एक छोटा सा सुंदर नृत्य यहां पर प्रस्तुत करें, इनकी सीडी बजाएं।
और दरबार से आज नगरिया मेरा दरबार से दरबार से आज नगरिया मेरा दरबार से और दरबार से आज नगरिया मेरा दरबार से और वर्तिका के लिए बहुत बहुत बधाई धन्यवाद। एक बार ताली बजाते हैं। और रत्न रश्मि करने के लिए हमारे बीच में पधार गए हैं रोहित जैन और पुनीत जनजी जैन पूरा परिवार। कृपया आज के इस अवसर पर जैन जरी पैलेस लखनऊ के द्वारा पूज माता जी के चरणों में रत्न रश्मि करके महान पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। मध्य हमारे चौक के व्यापार से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारी तमाम लोग यहां पर उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर राजकुमार वर्मा हमारे ओम प्रकाश दीक्षित अनूप मिश्रा पंकज अग्रवाल जी प्रदीप अग्रवाल जी जो बच्चे लाला सर्राफ से हैं लोकेश अग्रवाल के अनुज श्री भुवनेश जी और हमारे भाई आप भी साथ में आ जाइए। माता जी के चरणों में पुष्प अर्पित करने के लिए ये लोग आए हैं। इसके पश्चात दीपू खत्री जो कि हमारी चौक व्यापार मंडल के महामंत्री हैं हमारे अनुराग रस्तोगी जी एक साथ सारे लोग एक साथ चले जाएंगे और ये प्रशस्ति चूंकि बड़ी प्रशस्ति माता जी की भी देनी है उसके पश्चात में ये सारी प्रशस्तियां दी जानी है। एक बार ये लोग माता जी के चरणों में पुष्प अर्पित करना चाहते हैं। मैं पुनः नाम दोहरा रहा हूं डॉक्टर राजकुमार वर्मा ओम प्रकाश दीक्षित अनुराग रस्तोगी अनूप मिश्रा दीपू खत्री पंकज अग्रवाल जी हमारे छन्नू भाई सुंदर अवसर श्याम रस्तोगी हमारे मनीष सरीन जी हमारे उमेश पाटिल जी हमारे तमाम सराफा व्यवसायी यहाँ पर उपस्थित हैं। ये माता जी ये हमारे बाबू कैलाश चंद जी के अनन्य सहयोगी हैं और बाबू जी का बड़ा सम्मान करते हैं। ये निरंतर हमसे और हमारी ये लोग अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। हमारे अनुराग भाई हमारे डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी दीपू खत्री जी मनीष शरीन जी हमारे भाई पंकज अग्रवाल माता जी पंकज जी की बड़ी इच्छा थी कानपुर से आपके पदविहार के वक्त ये चाहते थे कि हमारा जो वाटर पार्क है उसमें माता जी रुके लेकिन इन्हीं के जो सहयोगी हैं उन्हीं के यहाँ आपका सूक्ष्म समय के लिए कुछ हार्ट जो जिसको आपने लखनऊ चुंगी का नाम दिया था वहां पर आप एक 5 मिनट हाँ ठीक है। इस बीच हमारे बीच अवध सराफा एसोसिएशन से मनीष जी हैं और विश्वकर्मा जी उनके साथ में हैं। ये नहीं ये भी बड़ी होनी है उसके बाद देनी ये हमें दे दीजिए
और ये प्रोग्राम जो कि अभी चल रहा है, इसके बाद आज सांस्कृतिक संध्या भी है जिसमें भाई रूपेश जैन द्वारा संगीत संध्या प्रस्तुत की जाएगी। आप लोगों के भोजन की समस्त व्यवस्था यहां पर समिति द्वारा की गई है। इसके पश्चात हमारे बच्चू यानी संजीव जी ने फलाहारी का भी इंतजाम कर रखा है, इसलिए आपको कोई आकुलता नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ पूरा प्रबंध कर दिया गया है, आप पूरे आनंद से पूरे ठाट बाट से इस महामहोत्सव का आनंद लीजिए। इस बीच हमारे अनुराग रस्तोगी जी मंच पे आए हैं, ये भी हमारे सराफा एसोसिएशन के सदस्य हैं। हमारे उमेश पाटिल जी भी हैं साथ में, उमेश पाटिल चूंकि महाराष्ट्र से हैं माता जी, और ये तमाम महाराष्ट्र के मंत्रियों और जहां नासिक में माता जी आपने मूर्ति बनवाई है मांगी तुंगी में, उसी के समीप ये उमेश पाटिल भी रहते हैं, ये पूरी कार्य पद्धति से अवगत हैं। हमारे बीच अजय रस्तोगी, श्याम रस्तोगी, तमाम हमारे बाजार के लोग यहां पर आए हैं। मैं सभी का नाम न लेकर के समस्त सराफा व्यवसायियों को से माता जी के चरणों में सादर नमोस्तु 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 अर्पित करता हूं। पूज्य माता जी का पाद प्रक्षाल हुआ है और इसके साथ में अभी हम पूज्य माता जी के करकमलों में पिच्छी भी भेंट करेंगे, शास्त्र भी भेंट करेंगे, लेकिन आज हमारे बीच में गणिनी ज्ञानमती अवध विहार समिति और उसके साथ में सकल दिगंबर जैन समाज अवध प्रांत एक प्रशस्ति पत्र पूज्य माता जी के करकमलों में भेंट करना चाहता है। मैं हमारे लखनऊ के श्री कैलाश सुभाष चंद्र जी जैन सराफ को आमंत्रित करता हूं, कृपया आए और सबसे पहले पूज्य माता जी को प्रदान करने के लिए इस प्रशस्ति का वाचन आप अपने मुखारविंद से करें। सुभाष चंद्र जी जैन सराफ कृपया आकर के प्रशस्ति का वाचन करेंगे, उसके बाद में हमारे जो कमेटी के पदाधिकारीगण हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया वो आ जाएं। श्री कैलाश चंद्र जी जैन सराफ संरक्षक, आदिश कुमार जैन मुख्य संयोजक, महामंत्री जय कुमार जैन और कोषाध्यक्ष अमरचंद जैन सराफ, ये पदाधिकारीगण आकर के माता जी के करकमलों में प्रशस्ति पत्र भेंट करेंगे। इसके पहले वाचन करने के लिए सुभाष चंद्र जी जैन सराफ हमारे बीच में उपस्थित हैं। जय बोले ऋषभ देव भगवान की जय। अवध प्रांतीय बिहार के मध्य जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी हस्तिनापुर अयोध्या आदि तीर्थंकर जन्मभूमियों के विकास एवं ऋषभगिरी मांगी तुंगी में 108 फुट भगवान ऋषभदेव प्रतिमा निर्माण की प्रेरणा स्रोत 450 ग्रंथों की लेखिका, भारत गौरव आरका शिरोमणि गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के राजधानी लखनऊ आगमन पर उनके महान व्यक्तित्व के प्रति सादर समर्पित, यथा नाम तथा गुणवान ज्ञान स्वरूपणी ज्ञान प्रवीणा ज्ञान ज्योति की पावन प्रेरिका अपनी सम्यक ज्ञान ज्योति से जग को आलोकित करने वाली माँ शारदा की वरद पुत्री परम विदुषी महातपस्वी परोपकारी गणनी प्रमुख 105 का श्री ज्ञानमती माता जी जो व्रती भी हैं और कवयित्री भी हैं, जो साधिका हैं और ग्रंथों की कुशल अनुवादिका भी, जिन्होंने योगों को धारण करके अनयोगों को हृदयंगम किया है, जो अपने तन से ममत्व हटाकर चेतन को परिष्कृत करके मोक्ष मार्ग में अग्रसर हैं, स्वभाव से मृदुल शांत एवं गंभीर कुशल जौहरी के समान पारखी नजर रखने वाली अनुशासन प्रिय माँ ज्ञानमती माता जी के जीवन की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करना आकाश कुसुम पाने के प्रयास के समान है। आप प्राणी मात्र को साक्षात जिनेन्द्र भगवान बनने का मार्ग दिखाने वाली एक ऐसी महासाधिका हैं, जिनके जीवन का हर क्षण हर पल प्रत्येक व्यक्ति के लिए अध्यात्म प्रेरणा से भरा पूरा है। जिनेन्द्र भगवान के ऐसे सच्चे मार्ग को प्रशस्त करते हुए हम सभी के लिए
वह मार्ग प्रकाशित करने वाली पूज्य माता जी को आज अवध प्रांत के लखनऊ शहर में आगमन पर अगाढ़ विनय भक्ति पूर्वक हम उन्हें जिनवर कन्या उपाधि से अलंकृत करते हुए अपार हर्ष एवं गौरव का अनुभव करते हैं। संरक्षक कैलाश संजय सर्राफ चौक लखनऊ उत्तर प्रदेश, मुख्य संयोजक आदिश कुमार जैन सर्राफ चौक लखनऊ, महामंत्री जय कुमार टिकैत नगर, कोषाध्यक्ष अमरचंद जैन लखनऊ, गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी अवध बिहार स्वागत समिति एवं सकल दिगम्बर जैन समाज अवध प्रांत, माघ शुक्ला द्वादशी 17 फरवरी 2019 रविवार चौक लखनऊ उत्तर प्रदेश। ये अवध प्रांत थी। अब मैं दो लाइन आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ शीघ्र ही। बोलिए जिनवर कन्या गणिनी प्रमुख कारिका श्री ज्ञानमती माता जी की। बोलो जिनवर कन्या पूज्य ज्ञानमती माता जी की। देखिए बहुत ही अनूठी सी सुंदर सी उपाधि आज पूज्य माता जी के करकमलों में हमारे अवध वासी लखनऊ वासी हमारे संरक्षक मंडल में कैलाश चंद जी जैन सराफ, मुख्य संयोजक आदिश कुमार जी जैन, महामंत्री जय कुमार जी जैन और कोषाध्यक्ष अमर चंद जी जैन आकर के पूज्य माता जी के करकमलों में ये आज अपनी भावनाएं प्रदान कर रहे हैं। जिनवर कन्या उपाधि लगा के माता जी के गुण में कोई नई वृद्धि नहीं होगी, लेकिन हम अपने गुणों की वृद्धि करना चाहते हैं और माता जी के प्रति ऐसी भावना, माता जी थोड़ा स्ट्रेट हो जाएं और माता जी के करकमलों में भगवान की सुपुत्री के रूप में, ब्राह्मी के रूप में हम सब एक छवि देखते हुए उनको जिनवर कन्या की उपाधि प्रदान करके अत्यंत हर्ष और गौरव का अनुभव करते हैं। एक बार जोरदार करदल ध्वनि के साथ माता जी के प्रति हम सब अपने अपने स्थानों से बैठ करके उनका चरण में नमोस्तु ज्ञापित करते हैं। और इसी क्रम में आज हम अवध विहार स्वागत समिति की ओर से यहाँ पर विराजमान प्रज्ञा शमनी आरिका श्री चंदनामती माता जी के करकमलों में भी एक अपनी भावनाओं का दस्ता भेंट करना चाहते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे समिति के कैलाश चंद जी, आदिश जी, जय कुमार जी और अमर चंद जी, ये जो है गणिनी ज्ञानमती अवध विहार स्वागत समिति के पदाधिकारीगण होने के नाते इनको मैं आमंत्रित करता हूँ कि आज के इस अवसर पर पूज्य प्रज्ञा शमनी आरिका श्री चंद्रामती माता जी के गुणों को देखते हुए प्रेरणा पुंज की उपाधि से उनको अलंकृत करके ये प्रशस्ति पत्र पूज माता जी के करकमलों में प्रदान कर रहे हैं। बोलिए प्रेरणा पुंज प्रज्ञा शमनी आरिका श्री चंद्रामती माता जी की। और अब हमारे बीच में त्रिवेणी संगम के समान और रत्नत्रय के तीन रत्नों के समान तीन महाविभूतियां यहां पर मंच पर विराजमान है, पूज्य माता जी, पूज्य आरिका श्री चंद्रामती माता जी और पूज्य पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी। ये त्रिवेणी संगम है। जिन त्रिवेणी संगम के समीप आकर के हर जनमानस वात्सल्य को पाता है, प्रेम को पाता है, अनुकंपा को पाता है, नया मार्गदर्शन पाता है, धर्म और समाज के काम करने के लिए प्रेरणाएं पाता है, ऐसे त्रिवेणी के संगम के बीच में अब हम पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी को एक माल्यार्पण के द्वारा समिति की ओर से उनका सम्मान करते हैं और उनके करकमलों में भी एक प्रशस्ति पत्र यहाँ पर भेंट करेंगे। तो मैं चाहूंगा हमारे जैन धर्म प्रबोधनी सभा के अध्यक्ष श्री विनय जी और हमारे नीतीश जैन चौक वो भी आ जाएं, रितेश और धनंजय ये भी आ जाएं साथ में, धनंजय जैन आ जाएं, रोहित जैन इंदिरानगर जैन जरी वाले वो भी आ जाएं, संजीव जैन हमारे प्लास्टिक वाले वो साथ में जरूर आ जाएं। संजीव भैया माता जी मोहिनी की चा ज्ञानमती माँ आई है, माता जी मोहिनी की चा ज्ञानमती माँ आई है। धरती पे सदियों के बाद मानव राखी माँ आई है, धरती पे
मैं तेरा दीवाना हो गया स्वामी जी स्वामी जी मैं तेरा दीवाना हो गया ये बाहर यहाँ पे खुशी आ गए अपार और ये बाहर यहाँ पे खुशी आ गए अपार और मैं इससे ज्यादा क्या करूँ तेरा दीवाना हो गया स्वामी जी स्वामी जी तेरा दीवाना हो गया स्वामी जी स्वामी जी। और पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी का नाम पूरे देश में आर्ष मार्ग की परंपरा के चलाने के लिए आचार्य शांति सागर जी महाराज की परंपरा को चलाने के लिए पूज्य ज्ञानमती माता जी के आदेशों का पालन करने के लिए बहुचर्चित नाम है। उनके व्यक्तित्व और उनके कर्मठता को पूरे विश्व में लोहा माना जाता है और पूरे भारत देश में एक ऐसी विशिष्ट विभूति हम सबको प्राप्त हुई है पूज्य स्वामी जी के रूप में, जिन्होंने आज 20वीं-21वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा आर्ष परंपरा का निर्वाण करते हुए हमारे आगम की परंपरा को बढ़ाया है। ऐसे पूज्य स्वामी जी को अवध विहार समिति की ओर से आर्ष परंपरा स्तंभ की उपाधि से हम सम्मानित करते हुए अत्यंत हर्ष और गौरव का अनुभव करते हैं। हमारे सभी पदाधिकारीगण यहाँ पर पूज्य स्वामी जी को आर्ष परंपरा स्तंभ के रूप में देखते हुए उनको ये प्रशस्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। मैं तेरा दीवाना हो गया स्वामी जी स्वामी जी तेरा दीवाना हो गया स्वामी जी स्वामी जी अच्छा ये बाहर यहाँ पे खुशियाँ के अपार अच्छा ये बाहर यहाँ पे खुशियाँ के अपार और मैं इससे भी ज्यादा क्या करूँ मैं तेरा दीवाना हो गया स्वामी जी स्वामी जी मैं तेरा दीवाना हो गया स्वामी जी स्वामी जी जय हो। हेलो हर माँ का बेटा कैसा हो आप सभी कहेंगे रविंद्र कीर्ति स्वामी जैसा हो। हर माँ का बेटा कैसा हो रविंद्र कीर्ति स्वामी जैसा हो जिन्होंने इस अवध के नाम को सारे विश्व में उजागर किया है और अयोध्या तीर्थ की कीर्ति को दिग दिगंत व्यापी किया है। ऐसे रविंद्र कीर्ति स्वामी जी का सम्मान हम सभी करके स्वयं अपने आप को सम्मानित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से पूज्य स्वामी जी का अभिवंदन होना चाहिए। पारस जैन महमूदाबाद से आए हैं अपने वो भी स्वामी जी को माल्यार्पण करना चाहते हैं। कृपया आ जाएं और स्वामी जी के माल्यार्पण करें। इस बीच हमारे चौक सराफा बाजार के श्री श्री नारायण सराफ जो कि लालजी फर्म से हैं और गुरु भक्ति में इनका अनन्य विश्वास है, हमारे एके जैन साहब के परम मित्र हैं। क्योंकि जैन साहब का स्वास्थ्य थोड़ा नासाज था आज तो अभी वो नहीं आए, शाम को उनके आने की खबर है। श्री श्री नारायण सराफ और हमारे रविन्द्र नाथ गुप्ता जी, जी ये दोनों लोग माता जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। श्री श्री नारायण सराफ और रविन्द्रनाथ गुप्ता जी और हमारे श्री जैन धर्म प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष सिर्फ एक मिनट में बोलेंगे। विनय जी आपके सामने, विनय जी आ गए। जिनके दर्शनों से पापों का क्षय होता है, जिनके चरण से कण भी पवित्र हो जाते हैं, जो जहां पर विराजमान हो जाती हैं वहां तीर्थ समो सरल हो जाता है, ऐसी जैन धर्म की सर्वोच्च साध्वी गुरु मां 14 वर्षों बाद अवध बिहार आ रही हैं। अंत में कहना चाहूंगा 12 साल बाद महामस्तकाभिषेक हो रहा है। इसी बीच एक चीज कह के खत्म करूंगा, ये लखनऊ का अवध बिहार समिति का ऐतिहासिक कार्यक्रम है, भूतो पहले कभी नहीं हुआ। ये पंडाल जो बना है ये राष्ट्रपति मुख्यमंत्री स्तर का है। यहां पूरी अवध पूरे हिंदुस्तान की माता जी के भक्त यहां विराजमान है। अंत में अपनी एक बात कह के खत्म करता हूं, 19-20-18 के मनोकामना सिद्धि विधान में आपको आना है, अपने आप गुरु मां के चरणों में बैठ के वो पाएंगे जो किसी ने नहीं दिया। 19 को 2 बजे अच्छे से जैन मंदिर डालीगंज जो आपकी समाज की धरोहर है वहां माता जी का धर्म सभा है, 20 को महामस्तकाभिषेक है, शिखर का शिलान्यास है, उसके पुण्यार्जक राजकुमार जी शांति देवी के परिवार सुशील जी पवन जी और क्या नाम आपके
वीर कुमार जी और अजय हैं, और एक शिखर के श्री वीर कुमार पुस्तका बाट का विभो भाभी हैं, और एक के हैं स्मृति जैन आदि। अंत में मैं कहना चाहता हूं, बातें आपने बहुत सुनी। माता जी ने एक संकल्प लिया कि सब जन्म कल्याणकों पे भगवान का मंदिर बने, तो नमीनाथ और मलिनाथ की प्रार्थना माता जी से की गई अय्यागंज में। अंत में मैं कहना चाहूंगा, कैलाश बाबू के परिवार से माता जी समाज की धरोहर हैं, उनके जन्म स्थान पे आपका मंदिर बनवा रहे हैं। तय कर लीजिए घर में जिसमें ऐसी जननी महाजन्मी हो, गुरु महाजन्मी हो, भूतो न भविष्यते। तय कर लीजिए। अपने वीर कुमार जी मुख्य संयोजक से मैंने कहा था, जो स्वर्गीय प्रकाश चंद जी के लड़के हैं, श्री सुशील कुमार जी जैन बाग के मुख्य प्रबंधक हैं, वीर कुमार साड़ी वाले सबने सहयोग किया। तय कर लीजिए घर में क्या कमी है, समाज को सौंप दीजिए, या अयोध्या कमेटी को सौंप दीजिए, या त्रिलोकपुर संस्थान को सौंप दीजिए। जैसे अयोध्या के लिए कहा जाता है मंदिर वहीं बनाएंगे, वैसे हम कहते हैं ज्ञानमती माता जी की जन्मस्थली पर समाज मंदिर वहीं बनाएगी। तय कर लीजिए, आप लोग हाथ उठाइए कि आप लोग तैयार हैं। ज्ञानमती माता जी की जय। अंत में इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए लखनऊ व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष होने के नाते, लखनऊ जैन समाज के अध्यक्ष होना आप सबका अभिवादन है कि पूरी सर्राफा कमेटी, पूरा लखनऊ जैन समाज, अग्रवाल समाज, सब व्यापारियों ने इसमें सहयोग दिया। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और सबको साधारण आमंत्रित करता हूं, स्वागत करता हूं। सारे कार्यक्रम के साथ में कैलाश रंजी सराफ को पारस जैन महमूदाबाद के पूरे टीम बुके प्रदान कर रही है, कृपया प्रदान करें। और मैं आमंत्रित करता हूं श्री सुरेश जैन मुरादाबाद, सुशील कुमार जी जैन मुख्य प्रबंधक जैन बाग, मंत्री वरिष्ठ श्री वीर कुमार जैन मुख्य संयोजक आए, श्री महामंत्री श्री सुबोध कुमार जैन रतन केंद्र जौहरी इंटरनेशनल आवे, और माता जी को ये श्री जैन धर्म पदली सभा जो लखनऊ की 125 साल पुरानी संस्था है, धरोहर है, उसके द्वारा माता जी के चरणों में अपना ये श्रद्धा का सुमन अर्पित करें। और मैं आमंत्रित करता हूँ कुलाधिपति श्री सुरेश जी जैन मुरादाबाद से हमारे बीच में पधारे हैं। आज के इस अवसर पर आपके कुछ मन के उद्गार हम सब सुनना चाहेंगे, कृपया पधारें। और पारस चैनल पर भी हमारे दर्शकगण अवश्य आपके विचार सुनेगा। आज के इस अवसर पर हम आपके विचार सुन बोलिए। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की। खाना भी खा लिया आप लोगों ने और जयकारा बोलने को। देखो जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ये समोसरण में बैठे हो, जिनको स्वर्ग और मोक्ष की कामना हो वो हाथ ऊपर उठा के बोले, और जिनको कहीं और जाना हो वो हाथ जहां रखे हुए हैं वहीं रखे रहे। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की। और माता जी का जयकारा कैसे बोलेगा? बोलिए माता श्री ज्ञानमती माता जी की। आवाज नहीं आई। बोलिए माता श्री ज्ञानमती माता जी की। बंधुओं, सौभाग्य का विषय है कि माताजी अवध प्रांत में आई हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि अवध प्रांत के लोगों ने ये नहीं सोचा है कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है, यहां पर पूरे उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व है। तो हम लोगों का भी थोड़ा शेयर जरूर रख लीजिए। माता जी केवल अवध की नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश की भी है। और आप सब से मेरा आग्रह है, जो पूरे हर जिले से यहाँ मौजूद हैं और जो अवधवासी यहाँ मौजूद हैं, एक बार खड़े होकर अपने स्थान पर जोरदार ताली बजाकर माता जी का अभिनंदन करेंगे। खड़े हो जाइए अपने स्थान पर, सब लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान पर, खड़े हो जाइए। हाँ, खड़े हो जाइए, जिनके पैर ठीक ठाक हैं वो खड़े हो जाएं। जोरदार जयकारा बोलेंगे और ताली बजाकर जोर से माता जी को अभिनंदन करेंगे। खड़े होकर बोलिए माता श्री ज्ञानमती माता जी की। तालियों की गड़गड़ाहट ऐसी हो जो महाराष्ट्र तक पहुंचे। हाँ,
चलिए धन्यवाद आप सबका। माताजी आपके स्वागत में अवध वासियों ने सब कुछ आज कैप्चर कर लिया है। आज सब कुछ लखनऊ, अयोध्या, टिकैत नगर और पूरा प्रांत आज आपको कैप्चर कर लिया है इन लोगों ने। माताजी इनके इनके हाव भाव ठीक नहीं नजर आ रहे हैं, ये चतुर्मास लेके रहेंगे ऐसा लगता है मुझे। माताजी माताजी बहुत पक्का मन बनाना पड़ेगा आपको मुरादाबाद और हस्तनापुर की ओर बिहार करने के लिए। ये लोग बिल्कुल आमादा हैं, अयोध्या में, टिकैत नगर में, लखनऊ में, माताजी का कहीं भी अवध प्रांत में चतुर्मास कराने के लिए। मेरी भी भावना है कि माताजी उस स्थान पर जरूर चतुर्मास करें जहां पर माताजी का जन्म हुआ है। आप सबकी भावनाओं को आदर करते हुए मैं भी माताजी के इस चतुर्मास में सहभागी हूं, और यदि माताजी का ये चतुर्मास आपको नहीं मिलता है और माताजी हस्तनापुर की ओर बिहार करती हैं, तो मैं मुरादाबाद की ओर से आप सबको आमंत्रित करता हूं कि थोड़ा सा जोर मुरादाबाद के लिए लगाएं ताकि मुरादाबाद तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में माताजी का ये चतुर्मास हो सके। बोलिए एक बार तालियां तो बजा दीजिए, आपको ना मिले तो हमें तो मिले। आज कुछ भी बोलने को नहीं है, माताजी का आशीर्वाद हम सब पर है। हम लोग बहुत तेजी से माताजी का जो प्रभाव है वो बड़ा है। अब की बार माताजी ने जो बुंदेलखंड में की यात्रा की है और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने जिस प्रकार से माताजी का अभिनंदन किया है और कराया है, वो हम सब माताजी के भक्तों के लिए गौरवान्वित होने की बात है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, धन्यवाद। और अभी पूज्य माताजी को पिच्छी का भेंट करना है और शास्त्र भेंट करना है। मैं निवेदन करूंगा नरेंद्र कुमार जी जैन ज्ञान ज्योति और सीतापुर वाले ज्ञान ज्योति गारमेंट्स के लखनऊ परिवार आए और पूज्य माताजी के करकमलों में पिच्छी का भेंट करें। और इसके साथ में ही शास्त्र भेंट के लिए मैं श्री विकास जैन, संजीव जैन प्लास्टिक वाले मोती नगर लखनऊ को निवेदन करूंगा, कृपया आ जाएं और पूज्य माताजी के करकमलों में शास्त्र भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें। पहले पिच्छी भेंट करने के लिए नरेंद्र कुमार जी सीतापुर वाले ज्ञान ज्योति गारमेंट्स लखनऊ अपने परिवार के साथ पधार जाएं। इस बीच हमारे बीच पंकज अग्रवाल और श्री प्रदीप अग्रवाल जी मौजूद हैं, आनंदी वाटर पार्क कानपुर रोड की ओर से माताजी का यह अभिनंदन करना चाहते हैं। माताजी का अभिनंदन श्री प्रदीप अग्रवाल जी और पंकज अग्रवाल जी। और हमारे बीच में हमारे अतिथियों में सुरेश जी जैन आए भोपाल से और हमारे जेसी जैन साहब हरिद्वार से आए हुए हैं। अभी हम क्रमशः दो दो मिनट से हम उनके भी वक्तव्य सुनना चाहेंगे, विचार सुनना चाहेंगे। आज इस अवसर पर वो दूर दूर से आप सबके निवेदन पर पधारे हैं, तो उनके भी भावांजलि हम सबके बीच में आए। सुरेश जी जैन भोपाल, कृपया आए और पूज्य माता जी के प्रति अपने उद्गार यहाँ व्यक्त करें और पिच्छी भेंट करने के लिए उधर आ जाएंगे और शास्त्र भेंट करने के लिए आ जाएंगे। बंधुओं और देवियों, आपने देखा होगा कि पूरे आकाश में 70 के 7 सितारे प्रकाश की रश्मियां फैलाते हुए चलते रहते हैं। उसी प्रकार से हमारे इस भारत भूमि पर पूज्य माता जी अपने सब तारिकाओं के साथ साथ प्रकाश की रश्मियां, अध्यात्म की रश्मियां पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में फैला रहे हैं। आज अवध प्रांत के आप सब ने उनका स्वागत किया, इससे हम लोग बड़े अभिभूत हैं, प्रसन्न हैं। माता जी ने चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी के 90 वर्ष पुराने बुंदेलखंड की यात्रा के पथ से चलते हुए नैनागिरी और द्रोणागिरी तीर्थों की वंदना की। भीषण ठंड में उन्होंने यह यात्रा की, पूरे बुंदेलखंड के सभी लोग बड़े प्रसन्न थे, हर्षित हैं। माता जी इसी प्रकार से आप जन जन को अपने स्नेह से, अपने प्यार से अभिभूत करते रहें। हमें प्रसन्नता है कि चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी
कि आपने 28 मूल गुणों को आत्मसात किया है, जन जन के बीच उनके ज्ञान रश्मियां प्रकाशित की हैं। भाई सुरेश जी तीर्थंकर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति यहाँ विराजमान हैं, उनके विश्वविद्यालय को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उन्होंने पूज्य माताजी को डीलिट की प्रथम उपाधि भेंट की है, चंद्रामती जी को पीएचडी की उपाधि प्रस्तुत की है। आप ज्ञान के क्षेत्र में शीर्षस्थ आरिका हैं, आप चलते फिरते सरस्वती देवी हैं। हम आपके चरणों में वंदना करके, सतत वंदना करके विराम लेते हैं और पुनः आप सबको धन्यवाद देते हैं। हमें जो आपने स्नेह दिया, अवध प्रांत के लोगों ने स्नेह दिया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत 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 धन्यवाद सुरेश जी जैन भोपाल से। और इसी के साथ में हम जेसी जैन साहब भी यहाँ पर उपस्थित हैं, कृपया आए और वो भी दो शब्द हमारे बीच में अभिव्यक्त करेंगे। हमारे पीछे भेंट करने वाले ज्ञान ज्योति गारमेंट्स परिवार दो मिनट रुक जाए हमारे अतिथियों का। अभी इसके बाद में पूज्य माता जी के आशीर्वचन होंगे, आप सब लोग बैठे रहिए, पूज्य माता जी का आशीर्वचन उद्बोधन होगा। आप सब लोग माता जी का आशीर्वचन उद्बोधन लेकर के ही जाना, सब लोग कृपया बैठे रहिए। हाँ, और इलाहाबाद से जो आए हैं अजीत प्रसाद जी, अनूप जी, कृपया आप नीचे ही श्रीफल समर्पित करके माता जी के प्रति अपनी बात कह दें और जेसी जैन साहब अपनी भावना व्यक्त करें। गुरु माँ के चरणों में सत्सत वंदन करता हूँ, समस्त संघ के चरणों में सत्सत वंदन करता हूँ। मेरा अति सौभाग्य है कि माता जी ने मुझे ऐसा अवसर दिया कि ऐसे कार्यक्रम का सोधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। ये माता जी का असीम अनुकंपा मेरे और मेरे परिवार पर है। मैं माता जी के चरणों में बार बार वंदन करता हूँ और आज एक बार फिर से माता जी से निवेदन करता हूँ कि आपको हरिद्वार चलना है माता जी, अवश्य से चलना है, जरूर से चलना है। माता जी हरा अवध भी चाहता है, पूरा हिंदुस्तान चाहता है कि आपके चरण हर जगह पहुंचे, आपको सबका आशीर्वाद मिले, आपका आशीर्वाद सबको मिले, हम सब फलीभूत हों। इसी भावनाओं के साथ एक बार फिर से निवेदन करता हूं माता जी, आपको हरिद्वार चलना है, चलना है। सत्सत वंदन, सत्सत वंदन। बहुत बढ़िया, आपने अपने मन की एक शब्द में बात कह दी कि माता जी आपको हरिद्वार चलना है। इससे बड़ी आपके मन की गुरु भक्ति, आपका समर्पण, आपका प्रेम इस संघ के प्रति और वात्सल्य हम सब और क्या समझ सकते हैं। आपकी भावना शायद माता जी जरूर पूरी करेंगी, हरिद्वार के लिए भी एक बार आपके पास हरिद्वार में जरूर पधारेंगी। और अब ज्ञान ज्योति गारमेंट्स कृपया आए और पूज्य माता जी को पीछे भेंट करें। बहराइच से भी भक्तजन आए हैं और जो श्रीफल समर्पित करना चाहते हैं कृपया आप भी अपना श्रीफल समर्पित नीचे से ही करें, ऊपर नहीं आएंगे, नीचे से ही समर्पित करें। और ज्ञान ज्योति ट्रेवल गारमेंट्स के हमारे धन्नु भैया और उनके परिवारजन नरेंद्र कुमार जी, सभी लोग पिछी का भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, पिछी भेंट करें। मनोज भैया पिछी दें। अरे पीछे रे पीछे इतना बता तूने कौन सा काम किया गे, गुरु माने खुश होकर क्यों बातों में था मिल गया गे। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे रे पीछे इतना बता तूने कौन सा काम किया गे, गुरु माने खुश होकर क्यों बातों में था मिल गया गे। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। अरे माता जी मेरी प्यारी माता, गुरु माँ के चरणों में नमः, गुरु माँ के चरणों में नमः। हमारे बीच में गोमती नगर, हाँ, सब लोग बैठ जाइए, सब लोग हो गया, बैठ जाएं। गोमती नगर जैन समाज से भी श्रीफल समर्पित करना चाहते हैं कृपया नीचे से ही गोमती नगर जैन समाज के श्रद्धालु जन माता जी के चरणों में श्रीफल चलाते हैं।
बहुमत करो रे अभिमत करो रे बहुमत करो रे ये तो जैन कुल की सांस के गुड़ गायत करो ये तो जैन कुल की सांस के गुड़ गायत करो रे श्री संजीव जैन श्री संजीव जैन आ जाए दो शब्द अपने विचार बहराई श्री संजीव जैन बहराई से डालीगंज से इंदिरा नगर से देखिए ऊपर ना आए बात यह है कि श्रीफल चढ़ाने के लिए चढ़ाने का काम बाद में करना लेकिन ऊपर से चढ़ा रहे हैं ये व्यवस्था को बिगाड़ने की बात है चलो 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 देखो बातचीत मत करो माता जी से समय टाइम नहीं है फटाफट माता जी को शास्त्र भेंट करना है शास्त्र भेंट करने के लिए श्री विकास जैन संजीव जैन प्लास्टिक वाले मोती नगर लखनऊ से पूरा परिवार व्यवस्था बनाए आदेश जी व्यवस्था बनवाई है आप अपने वॉलंटियर से मंच पर इतनी हौद बहुत अच्छी नहीं लग रही है जैन हेल्पलाइन के सदस्य आए और सभी को साइड करें मंच खाली करवाएं सीधा प्रसारण चल रहा है सीधे प्रसारण की गरिमा आपके कार्यक्रम की गरिमा है और श्रीफल चढ़ाने वाले सभी लोग नीचे से चढ़ाएं चाहे गोमती नगर के हों इंदिरा नगर के हों डालीगंज के हों बहराइच के हों जैन हेल्पलाइन पहले यहाँ की व्यवस्था बनाए ये जितनी जैकेट पहनने वाले जो ऑरेंज कलर की जैकेट पहनने वाले बाराबंकी के नीचे से चढ़ाएं बाराबंकी वाले सभी सदस्य नीचे से श्रीफल चढ़ा दें आशीर्वाद दें मंच पे व्यवस्था ना बिगाड़े शेंकी जैन आ जाएं और अंकित वहां से श्रीफल नीचे से चढ़वाइए सबको देखो दोनों तरफ से आप खड़े करें वहां से कोई ऊपर नहीं आएगा और शास्त्र भेंट करें सबसे पहले शास्त्र भेंट करने वाले को सौभाग्य दें शास्त्र भेंट करने वाले श्री विकास जैन संजीव जैन प्लास्टिक वाले मोती नगर लखनऊ परिवार ने शास्त्र भेंट कर सौभाग्य प्राप्त किया है माँ मुझे तुम आशीर्वाद दो रस मई रस ना बना दो विकास जी जैन संजीव जी जैन ने प्लास्टिक वाले परिवार ने और अब मैं पूज्य विकास जी बोलेंगे दो मिनट विकास जी वो संजीव जी संजीव जी जैन हमारे बीच में है दो शब्द आपके बीच में रखना चाहते हैं कृपया आए और अपने विचार रखें ज्ञानमती माता जी की जय समय की बाध्यता है बहुत कम शब्द में बात कहूंगा अपने कि 14 वर्षों के बाद जब भगवान राम अयोध्या की धरती वापस आए थे तो जो उत्साह जो उमंग जो उल्लास उस वक्त श्रद्धालुओं में रहा होगा कदाचित वैसा ही उत्साह वैसी ही उमंग वैसी ही अति एक आज माता जी के आगमन पे अवधवासियों का रहा अवधवासियों के इस श्रद्धा सुमन को मैं नमन करूंगा अब माता जी चरणों में नमन करते हुए बस नहीं कहना चाहूंगा बात दो शब्दों में कि श्रावस्ती तीर्थ क्षेत्र की कमेटी आज यहाँ उपस्थित है और श्रावस्ती तीर्थ क्षेत्र और बहराइच समाज आपके चरणों में तत्पर होते हुए ये कहना चाहता है कि हे माता श्री श्रावस्ती में एक बहुत ही विशाल भव्य जिन्होंने निर्माण की ओर अग्रसर है कदाचित वहां पर फंड की आवश्यकता पड़ती है और आपके चरण यदि वहां पड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से वो बहुत ही भव्य विशाल मंदिर बनके तैयार हो जाएगा ऐसा हम पूरा विश्वास है हमको एक बार आप कदाचित अपने क्रिया रख देंगे बहुत बदम से पता करते हैं पूरी कमेटी आप चरण नतमस्तक है एक बार हमारे आए और हमारा मंदिर बन जाए ऐसी हमारी बहुत बड़ी भावना है इसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि हे माता श्री मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हे माता श्री जब आपके चतुर्मास का इतिहास लिखा जाएगा चतुर्मास का इतिहास लिखा जाएगा तो उस पन्नों में कहीं अवतार नाम ही नहीं होगा जहां से आप जन्मी जहां पुष्प खिला जहां से दीपक जला उसके नीचे अंधेरा जाएगा क्या ऐसा नहीं हो सकता ऐसा होना भी चाहिए माता श्री पूरा वक्त आप चरणों में शासन नमन करता है पूरे श्रद्धा के भाव से आपके चरणों में नमन करता है कि आप बस एक बार अपने यहां कह दें वो चतुर्मास होगा कि स्वर्ण
सोने पत्थर से लिख रहे हैं लायक चतुराज, हम लोग करेंगे चेष्टा करेंगे, हम किसी लायक नहीं है, लेकिन हमें मालूम है कि आपकी दिव्य शक्ति जो हम अंदर समाती है तो हम अंदर वो शक्ति आ जाती है कि हम भी ऐसा काम कर सकते हैं जो किसी ने नहीं किया होगा। तो आपके चरणों में शासन कहते हुए बात नहीं कह जाएंगे कि माता श्री कृपया एक चतुर्पाद हम गिरदार करें और ज्ञानवती माता जी की जय। एक शुभ सूचना है, एक मिनट, एक शुभ सूचना है, अयोध्या में 10 मार्च को महामस्तिकाभिषेक राष्ट्रीय स्तर पर होगा, उसमें प्रथम कलश अभिषेक करने का सौभाग्य भाई संजीव जैन परिवार को प्राप्त हो रहा है, समझ गए ना, संजीव जैन परिवार को प्रथम कलश 10 मार्च को अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये अभिषेक 29 मार्च तक चलेगा, लेकिन जो पहला कलश भगवान के मस्तक पर सबसे बड़ी माता जी के सानिध्य में सन 2019 का पहला कलश होगा वो भाई संजीव जी को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसके लिए हमारे कमेटी की ओर से, अयोध्या तीर्थ कमेटी की ओर से हमारे परम संरक्षक भाई धर्मवीर जी से मैं अनुरोध करूंगा, हमारे धर्मवीर जी भाई सुरेश जी आ जाए और हमारे संजीव जी का सम्मान करेंगे। और हमारे भाई सुरेश संजीव जो कुलाधिपति है, भाभी सब आ जाएं, कुलाधिपति हमारे सुरेश जी ने 108 फुट के भगवान, आज 17 तारीख है, तीन साल पहले यही तारीख थी जब मांगे तुंगे के अंदर भगवान का महामस्तकाभिषेक प्रारंभ हुआ था और भाई सुरेश संजीव को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि उन्होंने प्रथम द्वितीय और ये कलश करने का सौभाग्य लिया था। आज संजीव जी ये सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। बहुत सौभाग्यशाली है संजीव जी का परिवार। अब आप लोग निश्चित करना हमारे पास द्वितीय कलश और तृतीय कलश और बाकी हमारे पास 1,00,000 रुपए, 51,000 रुपए, 21,000 रुपए, 11,000 रुपए, 5,100 रुपए के कलश हैं। मैं चाहता हूं अवध प्रांत का कोई भी परिवार बाकी ना रहे जो भगवान का मस्तकाभिषेक इस वर्ष करने से वंचित रहे। सब लोग कलश लेना, चाहे छोटे से छोटी राशि का लेना, अपनी शक्ति समान चाहे जिस राशि का लेना, लेकिन अभिषेक करने जरूर आना, अभिषेक अयोध्या के अंदर जरूर करना। बाकी बातें मैं अयोध्या की रात में करूंगा, कल प्रातः काल करूंगा, कल शाम को करूंगा, केवल इतना बताना है संजीव जैन को प्रथम कलश करने का सौभाग्य मिला है, द्वितीय कलश और तृतीय कलश जिनकी भावना बने बता दीजिएगा। 11 रत्न और 5 रत्न केवल रख रहे हैं हम, 11 रत्न यानी 11 रुपए और तीसरा कलश 5 रत्न यानी 5 रुपए आपको भगवान के चरणों में समर्पित करना रहेगा। जिनकी भावना बने बता दीजिएगा 11 और 5 द्वितीय कलश और तृतीय कलश के लिए, और उसके बाद 1,00,000 रुपए के हमें कलश आप लोगों के लिखने हैं, आप लोग जरूर लिखवाइएगा। अभी इसके बाद में जो लोग अपना अपना अर्घ सजा करके लाए हैं वो अर्घ के लिए केवल एक श्लोक में आप सरी अष्ट द्रव्य की सामग्री यहाँ पर चढ़ाएंगे और उसके बाद में हमारे आरती का भी सौभाग्य हमारे वीरेन कुमार जी जैन गहना परिवार इंदिरा नगर लखनऊ ने प्राप्त किया है, उसके बाद वो आरती करेंगे। और हमारे व्यापार मंडल डालीगंज और डालीगंज हसनगंज व्यापार मंडल के कुछ माता जी के करकमलों में प्रशस्ति भेंट करना चाहते हैं, कृपया आ जाएं और प्रशस्ति पत्र प्रदान करें। महमूदाबाद से 105 फल मेवा की थाली माता जी के प्रति समर्पित करने के लिए लाई गई है, कृपया आप सब लोग आकर थाली लेकर के शीघ्रता से आ जाएं। और मुझ पूज्य अरिका श्री चंद्रामती माता जी अभी श्लोक बोलेंगी, उसके बाद में आप यहाँ से पूज्य माता जी के प्रति अर्घ समर्पित करेंगे। ऐसा करते हैं मंत्र मंत्र से करवा देंगे, है ना? डालीगंज हसनगंज बोल दिया भैया, डालीगंज हसनगंज व्यापार मंडल और व्यापार मंडल डालीगंज इंदिरा नगर में राजेश जैन हस्तिनापुर, जा कहीं हो आ जाए हमारे पास, राजेश जैन हस्तिनापुर और सौरभ जैन आ जाए। चलो जल्दी जल्दी कर। कल बाराबंकी समाज पूज माता जी चरणों में श्रीफल समर्पित कर रहे हैं नीचे से। कल ध्यान दें यहाँ पर मनोकामना सिद्धि मंडल विधान का आयोजन प्रातः 7 बजे से यहाँ रखा गया है। आप सभी लोग मनोकामना सिद्धि महावीर मंडल विधान
जो विश्व शांति के लिए पूज्य माता जी ने प्रेरित किया है वो वहाँ मंडल विधान संपन्न होगा, आप उसमें सहभागिता लें। इसके बाद में यहाँ आज की रात्रि में रुपेश जैन संगीतकार के द्वारा भजन संध्या होगी और कल और आज रात में ही आज रात्रि में रुपेश जैन संगीतकार द्वारा भजन संध्या, कल प्रातःकाल 7 बजे मनोकामना सिद्धि मंडल विधान और कल की सायंकाल स्मृति जी कल की सायंकाल 1008 दीपक से यहीं पे आरती होगी। पूज्य माता जी की आरती का आयोजन रखा गया है, सभी लोग यहाँ पर आए और कल शाम को कवि सम्मेलन भी यहाँ पर संपन्न होगा और 1008 दीपक से आरती आप लोग। अब एक बार आप सब लोग बैठ जाइए, जहाँ जगह वहीं बैठ जाइए, केवल 5 मिनट के लिए माता जी का आशीर्वचन। माता जी के 2 शब्द अभी तक प्रवचन नहीं हुआ, आधा घंटे का प्रवचन होना था, आप लोगों के भोजन के समय हो गया है, इसलिए पूज्य माता जी से अनुरोध है अब सब कार्यक्रम पूजा का भी पूज्य माता जी के आशीर्वचन के बाद। ठीक है, बोलिए परम पूज्य गणेश प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। सभी लोग बैठ जाए अपने स्थान पे, बैठ जाए। माता जी का आशीर्वचन, हमको अपना अपना श्रीफल दिख रहा है लेकिन माता जी के आशीर्वचन भी सुनना जरूरी है। हम पूज्य माता जी का आशीर्वाद सुन के उसके बाद बचे हुए समय में आगे का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। इंदिरा नगर वाले श्रीफल चढ़ा रहे हैं, नीचे से चढ़ाए भैया देखो, 22 तारीख को कार्यक्रम है, इससे यहाँ हो गया हेल्पलाइन वाले। देखिए आपका समारोह है, अंकित जी ऊपर आए व्यवस्था को संभाले। देखिए इंदिरा नगर क्यों कि गोमती नगर क्यों हो, आपके कार्यक्रम की सूचना है, माता जी पहुँच गए हैं। सुनिए जितने कार्यकर्ता है ना वही व्यवस्था मुझे लग रहा है बिगाड़ रहे, जितने ये खास तरह की जो लोग पहने हुए है ना ये जवाहर कट, इस व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। मेहरबानी करके माता जी का आप लोग रोकिए और माता जी का प्रवचन होने दीजिए। आप लोग जो कार्यकर्ता हैं कृपया लोगों को रोकिए, माता जी का प्रवचन होने दीजिए, समय हो जाएगा, माता जी की जो अमृत वाणी है वो लोगों को सुनने को नहीं मिलेगी। कृपया मंच पर सबको रोक दें 5-10 मिनट के लिए, और खासकर कार्यकर्ताओं की ये जिम्मेदारी है कि वो लोग इसे रोक लें। कार्यकर्ताओं से मेरा आग्रह है कि मंच को कृपया खाली रखें थोड़ी देर के लिए। चलिए और अब एक साथ जोरदार दोनों तरफ कार्यकर्ता खड़े हो जाएं, आप लोग उधर से भी लोग आएंगे, बीच में माता जी के प्रवचन में डिस्टर्ब। बोलिए परम पूज्य गणेश प्रभु ज्ञानमती माता जी की। अब माता जी का हम सभी को आशीर्वचन, जो लोग बाहर घूम रहे हैं जिनके लिए आप लोग आए हैं सब लोग शीघ्रता से अंदर आइए और पूज्य माता जी का ज्ञानामृत रूप प्रवचन श्रवण करके अपनी आशीर्वाद लीजिए। सब लोग बाहर से अंदर आ जाएं, बाहर से अंदर आ करके पंडाल में बैठ करके पूज्य माता जी के आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। मंगलम भगवान अरहन मंगलम वृषभेश्वरः मंगलम सर्वतीर्थे साहा जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। मध्यात्मा ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उत्तर प्रदेश का आदि तीर्थ प्रथम तीर्थ शाश्वत तीर्थ अनादि निगम तीर्थ अयोध्या। हम और आप उत्तर प्रदेशवासी इस बात के गौरव का अनुभव करें कि हमें और आपको विरासत में अनादि निधन आदि तीर्थ प्राप्त हुआ है। ऐसे तीर्थ को पाकर और उसकी छत्र छाया में हम बैठे हैं। मेरा आगमन केवल भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि अयोध्या के लिए हुआ है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, और बीच में ये उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी ये मुख्य प्रवेश द्वार है अयोध्या के लिए प्रवेश द्वार। भगवान
जो यहाँ आपने आज ये कार्यक्रम रखा और सम्मान आदि कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, ये मैं समझ रही हूँ, मैं चिंतन कर रही हूँ कि ये ज्ञानमती माता जी का अभिनंदन नहीं है, ये भगवान ऋषभदेव की भक्ति का अभिनंदन है, भगवान ऋषभदेव की भक्ति का अभिनंदन। भगवान ऋषभदेव की भक्ति और उनके भक्त का अभिनंदन है। हमारे हृदय में भगवान ऋषभदेव विराजमान है और आपके हृदय में भी भगवान ऋषभदेव विराजमान होना चाहिए, है, और जिनके हृदय में नहीं है उन्हें विराजमान करना है। भगवात्माओं त्वामाम अनंत मुनिया परम पुमान से मादित्य वर्ण ममलंतम से पुरस्तात् त्वामेव सम्यक् उपलब्धि जयन्ति मृत्युम् मान्यः शिवार्थ उपदस्य मुनीन्द्र पंथा। श्री मान्तुमाचार्य ने कहा है कि हे भगवान, आप परम पुरुष है पुमान और आपको सम्यक प्रकार से अच्छी तरह से प्राप्त करके मनुष्य प्राणी भव्यात्मा कोई भी क्यों ना हो, चाहे मुनि हो चाहे श्रावक, मृत्यु जय पद को प्राप्त कर लेता है, मृत्यु को भी जीत लेता है और अमर पद को, परमात्म पद को, अमृत पद को, निर्वाण पद को और ऋषभ देव के पद को प्राप्त कर लेता है। तुल्या भवन्ति भवतो मन्तेन किंवा, भगवान का भक्त भक्ति करते करते भगवान बन जाता है। तो भगवात्माओं अभी इस मंगल अवसर पर हमें इतना ही कहना है, कल पुनः यहाँ पर मनोकामना सिद्धि विधान भगवान महावीर का होगा। आज प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के बारे में हम चिंतन करें और चौबीसों तीर्थंकर का चिंतन करते करते अंतिम तीर्थंकर, इस अवसर पीढ़ी के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का कल विधान करेंगे। तो भगवात्माओं हमारी और आपकी तीर्थंकर भक्ति, भगवंतों की भक्ति ये वरदानी हो और ऐसा वर प्राप्त हो इससे कि हम और आप सभी अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के पुरुषार्थ में सफल हो जाए। भगवात्मा ये आज से ही शुरू हुआ पुरुषार्थ, तृतीय भाव में, क्योंकि ये निश्चित है कि भगवान का भक्त नियम से सम्यक दृष्टि अनुवृत्ति महावृत्ति नियम से जो पद को प्राप्त करेंगे, पुनः मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके हमें और आपको पुनः परमात्मा बनने का प्रसार करते हुए भगवंतों की भक्ति करते हुए प्राप्त करना है। अभी जो यहाँ वर्षा योग की चातुर्मास की चर्चा चल रही है, अभी तो चातुर्मास समाप्त होकर के 3 महीना हुआ है, चातुर्मास समाप्त होकर 3 महीने हुए हैं समझे, और अभी 5 महीने चातुर्मास के लिए बाकी हैं। तो हमें सोचने का भी तो अवसर चाहिए, समय और स्वास्थ्य के अनुसार जहाँ योग होगा वहां चतुर्मास हो जाएगा। हमने इस बार अयोध्या आने के बारे में कोई नहीं सोचा था, सीधे मांगी कुंगी से हस्तिनापुर जाने का सर्वे कराने के लिए स्वामी जी से रविंद्र से कहा था, लेकिन जो नहीं सोचा वो अघटित बुंदेलखंड की यात्रा का योग आ गया, जो नहीं सोचा था अयोध्या जाने का अयोध्या आने का योग आ गया। तो भगवात्माओं हम और आप जो सोचते हैं कभी नहीं भी होता है, और पुरुषार्थ करना अपना काम है, पुरुषार्थ आप भी कर रहे हैं। हमारे कुलाधिपति सुरेश जी ने भी कई बार भावना भाई है कि एक हमारा मुरादाबाद विश्वविद्यालय भी चतुर्मास हो, हमारे हरिद्वार के जैसी जैन भी आग्रह कर रहे हैं और हस्तिनापुर के लोग भी आग्रह कर रहे हैं, वहाँ समवसरण की प्रतिष्ठा 3 वर्ष से रुक गई कि माता जी आए, जब समवसरण के पंत कलाणक के पंत कलाणक प्रतिष्ठा हो भगवान शांतिनाथ के समवसरण की, तो जैसा भी योग होगा वैसा होगा। मैं तो समझती हूँ कि आपकी भावनाएं जो इस प्रकार से देव सास गुरु के प्रति हैं
और जो मेरे प्रति हैं उसमें जो विशेष अनुराग और राग और भक्ति मेरे प्रति है उसमें मूल कारण तो ये भी है कि आपके भूमि पर आपकी धरती पर हम जन्मे और खाए खेले हैं, इसलिए विशेष आपका अधिकार बन रहा है और बना हुआ है, इसलिए आप अधिकार पूर्वक उसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, जैसा होगा वैसा होगा समय पर। अभी तो मुझे इतना ही कहना है कि भगवान ऋषभदेव का प्रचार प्रसार और अयोध्या का प्रचार प्रसार हमें और आपको इतना करना है कि सारे विश्व में भगवान ऋषभ जन्मभूमि अयोध्या, भगवान ऋषभदेव भारतीय संस्कृति के प्रथम तीर्थंकर आज प्रेरिता भगवान ऋषभदेव का नाम सारे विश्व में पहुंचा दे। सारे विश्व में आवाज हमारी और आपकी पहुंचे, आज की आवाज अयोध्या से आवाज सारे विश्व में पहुंचे कि सबसे पहले भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि अयोध्या है, अनंत अनंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या है, आज ही तीर्थ अयोध्या है, हमारी भारतीय संस्कृति का मूल केंद्र मूल उद्भव स्थल अयोध्या है, जिनके पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत है। भव्यात्माओं, हमारे मुख्य प्रथम नागरिक, भारत के प्रथम नागरिक श्री रामनाथ कोविंद जी ने, जो भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी ने अभी 22 अक्टूबर को जो मांगी तुंगी में विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन का उद्घाटन किया है, ये आज उसका यहाँ पर समझ लीजिए दीप प्रज्वलन हुआ है। यहाँ पर भी विश्व शांति के लिए हमें अहिंसा सम्मेलन आदि कार्यक्रम आयोजित करना है, ये उसी की एक कड़ी है। हमें विश्वविद्यालयों में भी अपनी आवाज को पहुंचा करके विश्व में शांति होगी तो अहिंसा से, और जहां अहिंसा है वही शांति होगी, इस बात को और ये सिद्धांत अहिंसा परमो धर्मः प्रथम सूत्र भगवान ऋषभदेव ने दिया है और भगवान महावीर तक हम चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो हमें विश्व शांति वर्ष मनाना है और उसके अंदर अनेक संगोष्ठी भाषण प्रतियोगिता आदि कार्यक्रम करने हैं, कार्यक्रम की रूपरेखा बना करके हम आप सबको देंगे। हमारे अवध प्रांत के लोग हमारे विश्वविद्यालय में, हमारे तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में और अवध विश्वविद्यालय में सर्वत्र सागर में और जहां जहां कहीं भी पूरे भारत में नहीं, मैं तो चाहूंगी भारत के बाहर भी हमारे विद्वान जाकर के और विश्व शांति वर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित करें, उसमें रूपरेखा बनाए और उसको कार्यान्वित करें। इसके साथ अभी प्रथमाचार्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, उनका भी मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष का उद्घाटन हम अयोध्या से करेंगे, वो है फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी 20 मार्च, उस दिन करेंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे। क्योंकि वो प्रथमाचार्य वो न होते तो हम नहीं होते, आज कोई भी साधु नहीं होते, तो वो हमारे मूल आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अभी आप सबके लिए मेरा बहुत 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 मंगल आशीर्वाद। ये अभिनंदन समारोह का कार्यक्रम आपकी भक्ति आपके लिए वरदानी हो, मनोरथ को सफल करे और हम सबके लिए मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करे, इसी भावना के साथ आप सबके लिए पुनः पुनः बहुत मंगल आशीर्वाद। हमारे मंच पर आसीन हमारे कुलाधिपति जी जैसी जैन जी और इंजीनियर जी, सभी कार्यकर्ताओं के लिए सभी प्रमुख हमारे मुख्य आप सब श्रोताओं के लिए आशीर्वाद, और साथ ही यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के हमारे आदित्य योगी के लिए और राज्यपाल के लिए और यहाँ के शासक के लिए, प्रशासन के लिए, सबके लिए और जितने भी वर्ग और समुदाय के लोग यहाँ हों, लखनऊ शहर में, उत्तर प्रदेश में, आवाज गोपाल के लिए, हर वर्ग हर संप्रदाय वालों के लिए मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बोलिए परम पूज्य गणेश प्रभु श्री ज्ञानमती माता जी की। और आज जो है पूजन की व्यवस्था अलग अलग समाज के लोगों को दी गई थी, जल चंदन अक्षत पुष्प इस प्रकार से, लेकिन समय हमारे पास नहीं रहा, इसलिए हम सामूहिक रूप से पूज्य माता जी का अर्घ यहाँ पर समर्पित करना चाहेंगे। इसके बाद तुरंत आरती करेंगे, आरती करने के लिए बाबू जी बैठे हैं वीरेन कुमार जी, लेकिन क्षमा चाहेंगे, पहले अर्घ माता जी का कहना चढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले हम अर्घ यहाँ पर समर्पित करेंगे। आ जाइए थाल लेकर, ऊपर कोई नहीं आएगा, ध्यान रखें, सब लोग नीचे से करेंगे, नीचे से ही, हाँ सब लोग अपने हाथों में थाली लेकर की, और बहुत सारे आप फल लाए हैं, टिकैत नगर, बाराबंकी, दरियाबाद, महमूदाबाद,
बेलारा और कहाँ कहाँ से आए हैं? जी ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए प्लीज। पहले आप लोग सुन लीजिए, ये आ गए ऊपर, बात अलग है, कोई नहीं आएगा, सब लोग एक कम से ही थाली नीचे से ही चढ़ाएंगे और उसके बाद नीचे से ही आरती करेंगे। माँ मोहिनी से जन्म लेकर के शरद पूर्णिमा का तुम चांद बनी हो, गुरु से दीक्षा ली तुम्हारे गुण गाऊं हर के पद में चढ़ाऊं जानमती माता की। चंद्रिका अमृत निर्जरणी 108 फुट भगवान के निर्माण की प्रेरणा स्रोत अवध प्रांत में राजधानी लखनऊ में पधारी गणी ज्ञानमती माता जी के चरणों में जल चढ़ाकर निर्पाणी हेलो। और अब पूज माता जी की मंगल आरती चालू करते हैं और हमारे वीरेंद्र कुमार जी जैन और अंजय कुमार जी जैन गहना इंद्रानगर परिवार की ओर से आज आरती का सौभाग्य लिया गया है हमारे संजय संगीतकार आरती से। चलिए आरती। गणनी माता ज्ञानी मती आरती है सुखदायी, इनके